रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है, रोबोट के द्वारा की जाने वाली सर्जरी के एग्जैक्ट प्रोसीजर कैसा होता है और पेशेंट के ऊपर रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म करने की प्रक्रिया कैसी होती है, ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ रोबोटिक गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन। मैं ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑफ एब्डोमिनल ट्यूमर्स, एब्डोमिनल कैंसर्स एंड अदर एब्डोमिनल कंडीशंस। तो आज हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी एग्जैक्टली की कैसे जाती है, रोबोट दिखता कैसे है, ये होता कैसे है और इसमें सर्जरी करने के स्टेप्स क्या होते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी तो आपने नाम सुना होगा। आजकल रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग वेरी रैपिडली एंड इंडिया इज सपोज टू बी द नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन फॉर रोबोटिक सर्जरी। इंडिया में रोबोटिक सिस्टम्स की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है और ये आगे जाके काफ़ी कॉमन हो जाएगा। तो आज ये देखेंगे कि एग्जैक्टली इसे परफॉर्म कैसे किया जाता है, रोबोट के बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं और सर्जन रोबोट के थ्रू पेशेंट पे कैसे ऑपरेट करते हैं। सो सबसे पहले, रोबोटिक सर्जरी इज अ टाइप ऑफ की होल सर्जरी। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक सुपर एडवांस्ड वर्जन कहा जा सकता है। तो इसमें जो होल्स या इंसिजन पेशेंट के बॉडी में बनते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। द इंसिजन इज समवेयर अराउंड 8 millimeters इन साइज। तो 8 millimeter यानी कि 1 centimeter से भी छोटे इंसिजन में से हम पेशेंट के बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो इसके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज द रोबोट इट्सेल्फ, जो पेशेंट के बॉडी के ऊपर हम प्लेस करते हैं और ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो रोबोट जो होता है वो आपने जैसे फिल्म्स या मूवीज़ में देखे हुए रोबोट की तरह जैसे कान और नाक ऐसे नहीं दिखता है। इट लुक्स लाइक एनी अदर मशीन और इसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखे जाने वाले कई सारे प्रोसेसेस में जो रोबोट्स देखते हैं, जैसे स्प्रे पेंटिंग या डोर फिट करना, इसी तरह से ये रोबोटिक सिस्टम दिखती है। इसमें कुछ आर्म्स होते हैं। यूजुअली रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स में 3 या 4 आर्म्स होते हैं जिससे कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को इस पर इंस्टॉल करके सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज द कंसोल, वेयर जो सर्जन सर्जरी परफॉर्म करता है ही मेक्स द मूवमेंट्स विच आर ट्रांसलेटेड इन टू द रोबोटिक मूवमेंट्स। तो जो मूवमेंट सर्जन इस कंसोल पे बैठ के परफॉर्म कर सकता है वही मूवमेंट्स पेशेंट के बॉडी के अंदर किए जाएंगे। और इस कंसोल में काफ़ी फीचर्स होते हैं जैसे कि मैग्नीफिकेशन, 10 to 12 times मैग्नीफाइड व्यू हमें दिख सकता है और इसमें 3D विजन होता है। तो द सर्जन गेट्स द फीलिंग दैट ही इज ऑपरेटिंग एज इन जैसे कि रियल में ऑपरेट कर रहे हैं, नॉट अ 2-dimensional व्यू जो हम नॉर्मली TV पे देखते हैं, बट अ 3D विजन इज अवेलेबल। और इसमें कुछ आर्म कंट्रोलर्स भी होते हैं और फुट पेडल्स भी होते हैं। तो सर्जन कैन मूव द आर्म कंट्रोलर टू मेक द मूवमेंट और फुट पेडल से वो कैमरा, लाइटिंग या फिर कुछ डिवाइसेस, जो एनर्जी डिवाइसेस जिसे हम कहते हैं, वो फुट पेडल से कंट्रोल कर सकते हैं। द थर्ड पार्ट इज द इट्स लाइक अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर में हम CPU कहते हैं, जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट होता है और जहाँ से ये कमांड्स रोबोट को फॉरवर्ड किए जाते हैं। इसमें अदर डिवाइसेस भी होते हैं जैसे कि ऑपरेशन रूम में बाकी के लोगों को देखने के लिए एक TV स्क्रीन या फिर सर्जरी में लगने वाले कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स, ये सारे इस CPU जिसे हम पेशेंट कार्ड के नाम से जानते हैं इसमें रखे जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। तो जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद बॉडी में कुछ स्मॉल इंसिजन बनाए जाते हैं और इस इंसिजन के थ्रू हम कुछ पाइप्स इंसर्ट करते हैं जिन्हें हम ट्रोकार कहते हैं, और इन पाइप्स के थ्रू लॉन्ग और स्लेंडर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब ये पाइप्स इंसर्ट करते हैं इसके बाद बॉडी के अंदर, पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है जिससे कि कुछ स्पेस क्रिएट किए जा सके इन रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के स्मूथ मूवमेंट और वर्किंग के लिए। तो इसके बाद हम रोबोट को लेकर आते हैं और रोबोट को पेशेंट के बॉडी के ऊपर इन ट्रोकर्स के ऊपर इन आर्म्स को फिट किया जाता है। इस प्रोसेस को डॉकिंग कहा जाता है। डॉकिंग के बाद द एक्चुअल सर्जरी स्टार्ट्स। द सर्जरी इज डन बाय द सर्जन एंड नॉट बाय द रोबो। इट्स अ रोबोट असिस्टेड सर्जरी। तो सर्जन जो भी मूवमेंट्स उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कंसोल पे करते हैं वही मूवमेंट्स को रोबोट पेशेंट के बॉडी के अंदर स्मूथली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करता है। इसमें कई सारे एडवांटेजेस ऑप्शंस भी है, जैसे कि
ट्रेमर फिल्ट्रेशन, यानी कि सर्जन के हाथ में होने वाले कुछ फाइन ट्रेमर्स को फिल्टर आउट किया जा सकता है। मोशन स्केलिंग, यानी अगर किसी छोटे से ऑर्गन के ऊपर डिसेक्शन करना हो तो सर्जन अगर बाहर 2 से 3 सेंटीमीटर का मूवमेंट करता है तो यही मूवमेंट पेशेंट के बॉडी के अंदर 5 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक हम स्केल डाउन कर सकते हैं। इससे सर्जरी का प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये सारे रोबोटिक सर्जरी में भी अवेलेबल है। जैसे कि एडवांस्ड एनर्जी डिवाइसेस, जैसे कि स्टेपलिंग डिवाइसेस, जैसे कि इंडोसाइनिन ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो कैंसर सर्जरी में बहुत ही इफेक्टिव है। ये हमें एक स्पेशल डाई के थ्रू इन्वॉल्व्ड एरियाज या इन्वॉल्व्ड लिम्फ नोड्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम्स है इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। आज के डेट में इंडियन सिनेरियो में हमारे पास 3 या 4 रोबोटिक सिस्टम्स अवेलेबल है, जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम है डाविंची, और इसके बाद 2-3 और सिस्टम्स भी है, जैसे कि SSI मंत्रा या फिर CMR जो वर्सियस सर्जिकल्स से बनाया गया है, एंड देर इज़ वन मोर सिस्टम कॉल्ड एज हुगो जो मेट्रोनिक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के होते हैं। तो आज हमने देखा कि एग्जैक्टली रोबोटिक सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। अगर आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में कोई भी डाउट्स है, आपको कोई सवाल है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी और राइट टू मी बाई ईमेल और इवन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच।